हाँ जी, नमस्कार सभी को। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी? आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। आज क्या खबर आई है? आज हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में, अब हाई कोर्ट ने अगली तारीख क्या दी है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी का पता चल सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्द पहुंच सके। हम जॉब से जुड़ी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। हाई कोर्ट ने अगली तारीख है जो 28 अक्टूबर दे दी है हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में। जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है मेल और फीमेल कैंडिडेट की, उसके ऊपर रोक लगा रखी है हाई कोर्ट ने। अब इसकी अगली सुनवाई कब है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पुलिस भर्ती लंबा इंतजार, 6600 कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर 28 अक्टूबर तक रोक। जो भाई 6600 कांस्टेबल है उनकी भर्ती पर रोक लगी हुई है। अब उनकी अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तक है, यानी कि ज्वाइनिंग अब नज़दीक है। आप सभी बच्चे वेट कर रहे हो कि कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, इसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस में 6600 कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर तक रोक जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही भारतीय सांख्यिकी संस्था को भर्ती में इस्तेमाल नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। प्रहलाद केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को इन सभी पेपर की जांच कर डिफ़िकल्टी लेवल पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इन दोनों रिपोर्ट पर यह भर्ती निर्भर होगी कि भर्ती की कब तक ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि भर्ती में पंजाब पुलिस रूल्स के तहत 12वें सत्र के प्रश्न होते हैं। इस भर्ती के लिए 24 पेपर तैयार किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को इन सभी पेपर की जांच कर डिफ़िकल्ट लेवल पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने भारतीय सांख्यिकी संस्था को भर्ती में इस्तेमाल नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। साथ ही में उन्हें अगली सुनवाई तक एक विशेषज्ञ को कोर्ट में भेजने का आदेश दिया है जो इस मामले में कोर्ट की सहायता कर सके। जो भी हरियाणा पुलिस की भर्ती पर रोक लगी है उसने कोर्ट में कहा है गया है कि जो विशेषज्ञ है उसको कोर्ट में भेजा जाए कि वो कोर्ट को सहायता कर सके इस पुलिस भर्ती के बारे में। ये भाई पूरी जानकारी आप इसकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया था और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। जो भी हरियाणा पुलिस की भर्ती है, जब आपका ज्वाइनिंग नज़दीक आई तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू कर दिया। याची ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची के से बाहर हो सकता है। भारतीय सांख्यिकी संस्था व केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट इस मामले को अपना फैसला देगा। इस दौरान याची कक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा रखी है और 28 अक्टूबर तक जारी रखते हुए मंगलवार को सुनवाई जारी रखाने का आदेश दिया है। जो आपकी अगली सुनवाई है हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कैंडिडेट की, वो यानी कि 28 अक्टूबर को है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि हरियाणा पुलिस की भर्ती की ज्वाइनिंग कब होगी, ये जानकारी आप सभी को देनी थी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंच सके। हम जॉब से जुड़ी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।